तो देखो मैं मोको कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ, एनिमी को डैमेज भी दे रहा हूँ, लेकिन मोको टैग मुझे शो नहीं कर रहा है। मैं सीरू कैरेक्टर को यूज किया हूँ, एनिमी मुझे डैमेज दे रहा है, लेकिन मुझे सीरू का टैग ही शो नहीं कर रहा है। ओके मोको को छोड़ो, सीरू को छोड़ो, मैं A124 कैरेक्टर का स्किल एनिमी के ऊपर फेंक रहा हूँ, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो अपडेट के बाद ये आप लोग के साथ भी होगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो देखो प्रीवियस वीडियो में 9 कैरेक्टर के बारे बताया था जिसका स्किल OB42 अपडेट में चेंज होने वाला है, एंड आज और 6 कैरेक्टर के बारे बताऊंगा जिसका एबिलिटी टोटली चेंज होने वाला, एक न्यू एबिलिटी देखने को मिलेगा और कुछ न्यू कैरेक्टर भी आने वाले हैं OB42 अपडेट में। सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखो पता चल जाएगा। वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका भाई सेको भाई, स्वागत करता हूं स्ट्रोम ब्रदर यूट्यूब चैनल के एक फ्रेश न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले पुराना कैरेक्टर का न्यू एबिलिटी क्या है चलो बताता हूँ। नंबर 1, इस कैरेक्टर का पुराना एबिलिटी को भूल जाओ। वैसे भी किसको याद है, मजाक के बाद साइड में सीरियसली मैं भी इसका एबिलिटी भूल गया था। मैं तो सोचा था इस कैरेक्टर को गेम से निकाल दिया गया है, चलो कोई ना, लेकिन आफ्टर अपडेट इस कैरेक्टर का स्किल खतरनाक भयंकर जबरदस्त ये ज्यादा हो गया वीडियो, ब्यूटीफुल तो नहीं है, नहीं नहीं ब्यूटीफुल नहीं है। ओके एबिलिटी की बात करते हैं। देखो मेरे पास मोको कैरेक्टर है जो एनिमी के ऊपर मार्किंग शो करती है, जब मोको को यूज करके किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसके ऊपर एक मार्क शो करेगा, ये आपको भी पता है। लेकिन जब मैं इस एनिमी को डैमेज दे रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई मार्क शो नहीं कर रहा है, क्यों? फिर मैं सोचा क्यों ना मैं सीरू कैरेक्टर को यूज कर लूं, अगर एनिमी मुझे डैमेज देता है देन एनिमी के ऊपर पिंक कलर का टैग शो करेगा, मुझे पता चल जाएगा एनिमी लोकेशन, तो इसीलिए मैं सीरू कैरेक्टर को यूज किया। फिर क्या, एनिमी मुझे डैमेज दे रहा है लेकिन उसके ऊपर टैग ही शो नहीं कर रहा है। इस एक कैरेक्टर का चलते मेरा सीरू एंड मोको दोनों का स्किल वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? फिर बहुत सोचने के बाद मेरे पास एक मस्त प्लान, क्यों ना इसके ऊपर A124 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्किल छोड़ देता हूँ, 20 सेकंड के लिए इसका सारा स्किल ब्लॉक हो जाएगा, फिर मैं इसको आराम से मार डालूंगा। इतना मस्त प्लान किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, 2 मिनट में प्लान को चौपट कर दिया ये एक कैरेक्टर। भाई साहब लिटरली बोल रहा हूँ A124 का स्किल भी काम नहीं किया बस इस एक कैरेक्टर के वजह से। इसका नाम है जोसेफ कैरेक्टर, जिसका एबिलिटी अपडेट के बाद टोटली चेंज हो गया है, और अपडेट के बाद ये कैरेक्टर 4-5 कैरेक्टर को तो ऐसे खा जाएगा, क्योंकि जोसेफ को यूज करने से मोको ओथो सीरू का टैग शो नहीं करेगा, प्लस जो कैरेक्टर को स्लो डाउन करता है जैसे कि हुमर, उसका एबिलिटी भी यूजलेस हो जाएगा, एंड कुछ कैरेक्टर है जो स्किल को साइलेंट करता है जैसे कि A124, ये भी काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ जोसेफ का एक और एबिलिटी है 5 सेकंड के लिए 10% मूवमेंट स्पीड बूस्ट करेगा और 60 सेकंड का कूल डाउन टाइमिंग है बस। तो ये था जोसेफ कैरेक्टर का न्यू एबिलिटी। ओके सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है देन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। देन नेक्स्ट नंबर 2 केली, इसका स्किल अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अभी जो स्किल है एडवांस सर्वर में भी सेम स्किल है, तो स्किल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन ये कैरेक्टर के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रिवर्क्ड, मतलब चेंज हो सकता है। अब पता नहीं कब चेंज होगा, जब भी होगा प्रॉपर एबिलिटी टेस्ट करके इसके ऊपर वीडियो आएगा। ओके देन नेक्स्ट निकिता कैरेक्टर, इसका स्किल में भी एक अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो निकिता को यूज करने से 20% रिलोड स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, देन एनिमी को जब भी डैमेज दोगे और एनिमी 10 सेकंड के अंदर मेडिकिट या कुछ भी हीलिंग आइटम यूज करेगा तो उसको 100% HP नहीं मिलेगा, 30% कम HP मिलेगा। ओके फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकिट यूज करता है तो एक मेडिकिट में 75 HP मिलता है, लेकिन निकिता के वजह से एक मेडिकिट में 52 HP मिलेगा, 30% HP कम मिलेगा। ओके देन बात करते हैं कौन कौन सा न्यू कैरेक्टर आफ्टर अपडेट गेम में देखने को मिलेगा और उनका एबिलिटी क्या है। कसम से इतना बड़ा स्किल कभी नहीं देखा था, लेकिन एक बात बोलूं स्किल में कुछ नहीं है, ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर होने वाला है। स्किल को यूज करने से एक बर्निंग वॉल देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, इसके आर पर जो भी जाएगा उसको इंस्टेंटली 30 का डैमेज लगेगा, फिर 10-10 का डैमेज गिरेगा 2 सेकंड तक, मींस टोटल 30 + 10 = 20, मींस टोटल 50 HP लॉस होगा एनिमी का। और आर्मर ड्यूरेबिलिटी मतलब वेस्ट एंड हेलमेट भी 10% लॉस होगा इसके आर पार जाने से, तो बस यही होने वाला है इसका एबिलिटी। गेम में आने के बाद मजा आएगा, तगड़ा स्किल होने वाला है, लेकिन इसका कूलडाउन टाइमिंग अभी तक मेंशन नहीं किया हुआ है, मुझे लगता है 30 to 40 सेकंड का कूलडाउन टाइमिंग होगा। ओके देन नेक्स्ट न्यू कैरेक्टर, इसका नामकरण
टीकाकरण नहीं हुआ है, अभी टेस्ट बॉय नाम दिया गया है। ये कैरेक्टर बहुत पहले आने वाला था गेम में लेकिन नहीं आया, शायद अभी आ जाएगा। तो ये भी एक्टिव कैरेक्टर होने वाला है। स्किल को यूज करने से कुछ इस तरह का ड्रोन छोड़ता है, लेकिन तुम्हें स्किल को अच्छे से छोड़ना पड़ेगा एनिमी के ऊपर। देन वो ड्रोन एनिमी के पास जाएगा, एनिमी का 10-10 एचपी करके 40 एचपी लॉस होगा, और तो और एनिमी का मूवमेंट स्पीड पूरा स्लो हो जाएगा 10 सेकंड के लिए। कूल डाउन टाइमिंग 60 सेकंड का है। ओके, देखो जितना भी कैरेक्टर बता रहा हूँ ये एडवांस सर्वर में आया हुआ है, लेकिन OB42 अपडेट के बाद शायद ये सेम एबिलिटी होगा या थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। देन एक और कैरेक्टर आने वाला है, इसका नाम भी नहीं दिया गया है, टेस्ट गर्ल। नाम तो छोड़ो, इसका स्किल भी नहीं है। ये भी एक्टिव कैरेक्टर होने वाला है लेकिन इसका स्किल भी नहीं है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपडेट के बाद न्यू कैरेक्टर जो है उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो आएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स और कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो आ जाएगा। एंड अगर अभी तक ये दो वीडियो नहीं देखे हो OB42 अपडेट में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, देन जल्दी से जाओ वीडियो को देख लो। ओके।